हाई माई डियर स्टूडेंट्स हाव यू वेलकम टू दस सेशन आई होप आप बहुत ज़ोर शोर से अपने आने वाले एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो गए राइट right? तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे आज की क्लास में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोच रहनी चाहिए राइट right? अगर तो आपने uh, क्लैट की और एलेट की तैयारी है तो आप रियलाइज करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अप्रोच तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है राइट और क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा नहीं बट स्टिल जस्ट टू गिव यू अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉपर अप्रोच लेट्स सी वॉट आर द स्टेप्स दैट शुड बी अप्लाइड वॉट शुड बी द राइट स्ट्रैटजी टू डील विद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और एक बार स्ट्रैटेजी सीख गए तो फिर उसका एप्लीकेशन करेंगे कुछ प्रैक्टिस पैसेजेस में ताकि आपकी एक होलसम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके और आपको टोटल कंट्रोल आ जाए ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम विच वी कॉल रीडिंग राइट सो लेट्स बिगिन विद द सेशन माय नेम इज जूही इजूहला राइट तो अब हम पहले तीन क्लासेस कर चुके हैं राइट सेंटेंस करेक्शन की दो क्लासेस करी थी एक वो कैब बेस्ड क्वेश्चन करे थे तो आप प्लीज कोशिश करिए कि जो सेशंस हम कवर कर चुके हैं उनके रूल्स आपको पता हों और आप उनको कंटिन्यूसली कुछ टाइम के बाद रिवाइज करते रहें इससे आप ज्यादा अवेयर रहेंगे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपको ईज रहेगी टू परफॉर्म वेल इन द एक्चुअल एग्जाम राइट तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू डील विद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस और उसके बाद ऑफ कोर्स अलाइन करेंगे उन सारी अप्रोचेस को टू द एक्चुअल पैसेजेस राइट सो लेट्स बिगिन विद द सेशन तो जो पहला गोल है यानी कि अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज की बात करूं तो तीन एलिमेंट्स हैं एक तो आपके पास एक पैराग्राफ uh, है राइट एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है अनसीन पैसेज है एक आपके पास क्वेश्चन है और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है आपके पास आंसर चॉइसेस है है ना तो हमें राइटली डील करना है विद द पैसेज राइटली डील करना है विद द क्वेश्चन और राइटली ही डील करना है विद द आंसर चॉइसेस तो तीन स्टेप्स में हम बात करते हैं जो स्टेप वन है कि तुमको अगर पैसेज मिलता है एग्जाम में तो अगर वो डिफिकल्ट होता है या मुश्किल होता है टू इंटरप्रेट सो वॉट शुड बी द राइट अप्रोच तो वो राइट right अप्रोच हम टर्म करते हैं मैपिंग तो मैपिंग क्या होता है जैसे कि दो टर्म्स हैं एक है नोट मेकिंग तो नोट मेकिंग का मतलब ये है कि आपने क्या किया आप जैसे फिजिक्स की क्लास में हैं है अकाउंट्स की क्लास में हैं या फिर आप हिस्ट्री की क्लास में तो आप ये कोशिश करेंगे कि भाई जो मेरी टीचर प्रोफेसर समझा रहे हैं लेक्चरर समझा रहे हैं वो मैं सब अच्छे से नोट डाउन कर लूँ बिकॉज दिस इन्फॉर्मेशन आई विल बी यूटिलाइजिंग लेटर इन माई रिटर्न एग्जाम्स टू क्रैक राइट अब यहाँ पर गेम ये है कि आपको उस इंफॉर्मेशन को बाद में तो कभी यूज़ करना नहीं है आपके लिए जब पैराग्राफ रीड कर रहे हैं पैसेज रीड कर रहे हैं तो आपका मेजर गोल है मतलब जो आपके मुद्दे की बात है कि यार मेरा फोकस ना लूज हो राइट तो जब आप पैराग्राफ रीड करो तो आपकी गोल सेटिंग सही होना जरूरी है तो गोल सेटिंग क्या है तीन गोल्स है है ना मैं बच्चों को कहती हूँ तीन गोल्स रखिए पहला कि मेरा फोकस फोकस ना लूज लूज हो राइट क्योंकि फोकस लूज करने का मतलब आप वो पूरा का पूरा पैसेज खराब कर रहे हो आप टाइम खराब कर रहे हो अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हो राइट तो वो कहीं हमें हेल्प नहीं करता अगर आप एग्जाम में प्रेशराइज होकर या बोर्ड होके फोकस लूज कर जाते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं राइट तो पहला गोल तो यही है कि रीडिंग करते वक्त फोकस तो सही रहे दूसरा इम्पोर्टेंट गोल है कि जो भी जनरल क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन से मेरा मतलब है वो सवाल जो पैराग्राफ की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है कि ऑथर क्या कहना चाहता है इस पैसेज का तुम्हें एक सूटेबल टाइटल देना होता तो तुम क्या देते राइट पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है पैसेज टोन क्या था स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज कैसा था राइट right? तो ये सारे क्वेश्चन जो इन टोटेलिटी अगर तुम्हें होलसम अंडरस्टैंडिंग पैसेज की बिल्ड होगी तभी तुम कर पाओगे तो फॉर ऑल स जनरल क्वेश्चन आपको क्या करना है आपको रिविजिट नहीं करना क्योंकि इन क्वेश्चंस के लिए अगर आपने रिविजिट किया तो मतलब पूरा का पूरा पैसेज वापस पढ़ना पड़ेगा और उतना डेफिनेटली आपके पास टाइम नहीं है राइट right? तो ये एंटायर पैसेज मल्टीपल टाइम्स इज क्राइम इज कांट अफोर्ड आप, आप कर ही नहीं सकते ये राइट right? तो हमें जनरल क्वेश्चन को तो आंसर करना है विदाउट रिविजिटिंग इसके लिए क्योंकि रिविजिटिंग कोई दिक्कत नहीं है पर इसके लिए रिविजिट करने का मतलब है पूरा का पूरा पैराग्राफ वापस पढ़ना विच इज डेफिनेटली नॉट अ साउंड आइडिया राइट और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें अच्छे से समझना ज़रूरी है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन कि ऑथर ने ये टर्म क्यों मेंशन करी इस एग्जांपल को देने का एजेंडा क्या था राइट right, इस वर्ड का मतलब क्या है इस पैराग्राफ से तुम क्या लॉजिकली कंक्लूड कर सकते हो राइट right, जो लिमिटेशंस की बात करिए उस थ्योरी की कौन सी लिमिटेशन की बात करिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन है राइट right? जो पूरे पैराग्राफ पे बेस्ड नहीं है बट पैराग्राफ के कुछ पोर्शन पे बेस्ड है उसके लिए हम वापस जाएंगे राइट पर हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ पर जाना है तो दैट्स एग्जैक्टली वॉट द पॉइंट सेट द गोल राइट कि जब आप पैराग्राफ रीड करो आपका एजेंडा क्या है अगर आपका एजेंडा है कि मेरे को तो एक बार पढ़ के पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाए मैं ऑब्जॉर्व कर जाऊं हर डिटेल को और मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वापस ना जाना पड़े तो ये बहुत ही यू you नो know,

अगर आप एक और बड़ा सा प्रेशर ले लोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप खुद मुश्किल में फंस जाओगे तो बस ये तीन गोल्स के साथ आप काम करो राइट right? दूसरा इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट कि आपको लाइक आई सेड कि आपको कोई पेपर नहीं देना तो वही मैं आपको जब शुरू में कह रही थी कि नोट मेकिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को हमको बाद में कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना होता है टू राइट आर पेपर्स टू क्रैक बट इस इंफॉर्मेशन को हमको फ्यूचर में कहीं यूज नहीं करना इसलिए हम यहाँ पर मैपिंग करते हैं इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये भी देखते हैं कि क्योंकि बच्चा आ, पेपर देने के बाद एग्जाम हॉल के बाद जाता है तो उसे टॉपिक भी याद नहीं रहते कि किस पे यू नो पैसेजेस बन के आए थे तो आपको ये प्रेशर लेना ही नहीं आपका सिर्फ एजेंडा ये है कि मेरे पास जो भी क्वेश्चन आए उनको मैं हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकू राइट दूसरा कई बच्चे ये प्रेशर ले लेते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑथर बिल्ड कर रहा है जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है वो मैं पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में रख लूँ मेमोराइज कर लूँ और मैं रिविजिट नहीं करूँगी राइट तो वो फिर या मैं रिविजिट कई बार ईगो में भी अनरियलिस्टिक गोल्स में भी बच्चे कर लेते हैं यार पैसेज तो मेरा फेवरेट एरिया का था मुझे समझ भी अच्छा है पर कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई डिटेल तो मिस आउट कर ही जाओगे या किसी ट्रैप में फंस जाओगे स्पेसिफिक के लिए वापस जाओ जनरल के लिए वापस नहीं जाना पर एक एक वर्ड को मेमोराइज करना समझना इम प्रैक्टिकल सा गोल है आपको हाँ ये समझ में आना चाहिए इन टोटालिटी पैसेज क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहा था बट एक एक वर्ड को समझने का फिक्सेशन आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा कई बार कोई अनफमिलियर वर्ड आ सकता है तो आप देखो कि टोन ऑफ डिस्कशन क्या है क्या टोन से क्या अंडरस्टैंडिंग से क्या कॉन्टेक्ट से मैं मैं एक मेंटल पिक्चर क्लियर कर पाती हूँ क्रिएट कर पाती हूँ कर पाती हूँ तो बहुत बढ़िया नहीं कर पाती तो मेरे को इस डायरेक्शन में काम करना है बजाय इसके कि ये छोटे छोटे वर्ड्स पे घबरा के और आप फिर है ना अननेसेसरली प्रेशर बिल्ड कर लो राइट right? सो so, आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए और जितना हो सके यही मैं मैपिंग का टर्म ये आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मैपिंग मतलब आपको ओवरव्यू पता हो मैप क्या करता है आपको एक एक पिक्चर दे देता है, राइट? अब इंडिया का मैप देखोगे तो आपको इन जनरल आइडिया तो बहुत, बहुत ही, बड़ा डिफिकल्ट पारेग्राफ है, आपको बहुत ही मुश्किल आ रही है आपके लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक है या आपको डर लगता है इस टॉपिक से फिलोस का कोई पैसेज आ गया अगर आपको वीक लगता है तो तो आपको ये लिखना है कि उस सेंटेंस में आपके लिए एक या दो वर्ड जो इंपॉर्टेंट थे बस उनको लिख लीजिए राइट वो भी शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको लगता है एग्रीकल्चर था पैसेज में और एग्री ए जी आ रहा है लिख के आपको समझ में आता है उतना बहुत है राइट तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मैप कर ले मैपिंग का गोल यही है फोकस बना रहे और फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आते रहे और स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए जाना है तो आप मैप की हेल्प से पैराग्राफ रिविजिट करोगे जहाँ आपने ये सोच लिया कि मेरा तो रिटर्न काम इतना स्ट्रांग हो कि मेरे को पैराग्राफ पे जाने की जरूरत ना पड़े तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी आपसे पेपर पूरा ही नहीं होगा राइट तो ये गोल नहीं सेट करना मैपिंग की मदद से आप पैराग्राफ में कहाँ जाओगे ये आपको ध्यान में रखना है नॉट द गोल कि आई शुड राइट वॉट द पैराग्राफ इज कन्वेइंग एंड देन जस्ट लीव द पैराग्राफ एंड जस्ट फोकस ऑन माइ नोट वॉट वी आर नॉट सपोज टू डू तो नोट मेकिंग नहीं करनी आपको मैपिंग करनी अंडरस्टैंड फ्लो ऑफ हाउ द आइडियाज आर राइट और इसके लिए स्क्रैच पेपर वर्क करिए राइट सब कुछ हवा में नहीं कर सकते क्योंकि नया टॉपिक है नई इंफॉर्मेशन है डील करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है जस्ट फोकस ऑन यू नो डूइंग सम स्क्रेच पेपर वर्क राइटिंग वन और टू की वर्ड्स इफ यू आर फाइंडिंग इट द पैराग्राफ डिफिकल्ट अगर आपको लग रहा है स्मूथ जा रहा है तो पूरे पैराग्राफ के एक दो की वर्ड्स लिख लीजिए राइट right? एक पैसेज में तीन पैराग्राफ्स तो तीन हर पैराग्राफ के दो एक दो एक की वर्ड लिख ली यानी टोटल छे वर्ड लिखे विच इज नॉट मच ऑफ द टास्क टू डू राइट बट आपको अभी जो ये थोड़ा सा स्क्रैच पेपर करने से आपको इतनी एक्यूरेसी मिलेगी इतना मोमेंटम बिल्ड होगा इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा इतनी क्लैरिटी मिलेगी

अब हम बात करते हैं कि जो सेकेंड चैलेंज है या जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क है वो है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यानी कि आपको क्वेश्चन की समझ बहुत अच्छे से होना जरूरी है राइट अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैं हर बार यही एग्जांपल देती हूँ वापस अपने वर्ड्स को दोहरा रही हूँ कि जो क्वेश्चन है दैट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसेस तो तुम्हारी अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग वीक है तुमने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा राइट तो तुम करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच सकते चाहे तुम्हें हंड्रेड परसेंट पैराग्राफ समझ में आ गया और तुम बहुत अच्छी हो एलिमिनेशन पे पर तुम क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इसको मिस कर गए तो कहीं ना कहीं तुम्हारी एक्यूरेसी पर असर पड़ेगा एक्यूरेसी पे आएगा अब स्टूडेंट्स की लापरवाही रहती है कि क्वेश्चन पे वो टाइम देना ही नहीं चाहते वो कुछ एक्सटेंड तक इसलिए भी होता है क्योंकि आप बहुत प्रेशर में होते हो और आपको बहुत सारे सवाल करने होते हैं तो आपको लगता है जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ो पर क्वेश्चन में वो आपके पांच सात सेकेंड बचाना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है राइट तो क्वेश्चन को अच्छे से समझे अच्छे से पढ़े इनफैक्ट जो प्रॉब्लम आती है कि ना कि मैम मैं तो दो में फंस गई थी और मैंने इनकरेक्ट आंसर चॉइस को पिक कर लिया वो यू you नो know, दोनों ही सही थे उसका सोल्यूशन यही है कि आपको उस स्टेटमेंट को पिक करना था जो क्वेश्चन को आंसर कर रहा है तो अगर गेम डिफिकल्ट करना है तो वो चार ऑप्शंस में से दो ऐसे ऑप्शंस दे सकते हैं जो पैराग्राफ के बेसिस पे सही हैं जो आप वेरीफाई कर सकते हो राइट right, पर आपको तो उस स्टेटमेंट को पिक करना है ना जो क्वेश्चन को आंसर कर रहा हो राइट यहीं पे ट्रैप क्रिएट होता है तो ये मेरा सजेशन आप जरूर मानिएगा ये एक हैक है जो रीडिंग कॉम्प्रिएशन में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है कि क्वेश्चन की सटीक अंडरस्टैंडिंग हो और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आपको कोई खास दिक्कत नहीं आती राइट right? चलिए तो अब हमें किस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं लाइक like, uh, ऐसे कुछ तो जनरल क्वेश्चन होंगे जो एक बार आप पैसेज पढ़ लो तो आप उससे डील कर सको जैसे मेन आइडिया मतलब ऑथर क्या बात कर रहा है राइट और प्राइमरी पर्पज मतलब क्यों बात कर रहा है और टोन मतलब कैसे बात कर रहा है हाउ और स्ट्रक्चर मतलब कैसे लिखा है उसने पैसेज हाउ द पैसेज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ठीक है पैराग्राफ को लिखा कैसे गया फ्लो ऑफ आइडियाज कैसे हैं राइट जैसे आप कोई ऐसे लिखते हो तो आप क्या करते हो पहले एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी जैसे एजुकेशन की बात करिए कि एजुकेशन कितना असर डालती है बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे तो आप इन जनरल कहोगे कि भाई एजुकेशन तो बहुत ही है बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है और यू नो गेम चेंजिंग है स्टूडेंट्स को नॉलेज देती है फिर आपने कहा कि कैसे करती है तो आप दो तीन एग्जाम्पल्स दे सकते हो राइट तो आपने एक एडवांटेज की बात करी कि एजुकेशन कैसे रोल प्ले करती है राइट आपने कहा कि बहुत अच्छा आउटलुक बिल्ड करने में मदद करती है अवेयरनेस देती है राइट फिर आपने दूसरी एडवांटेज की बात करी तीसरी एडवांटेज की बात करी और फिर आपने एंड में एक पैराग्राफ में लिख दिया कि हाँ भाई इन सब पूरे डिस्कशन से हम ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एजुकेशन तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में तो यही फ्लो ऑफ आइडियाज है कि आपने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया फिर अपनी रीजनिंग प्रेजेंट करी टू सपोर्ट योर और एंड में आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया इसी को स्ट्रक्चर कहते हैं कि कैसे लिखा गया पूरा का पूरा पैसेज या पूरा का पूरा ऐसे या पैराग्राफ राइट तो ये स्ट्रक्चर है कि कैसे लिखा गया अब टोन कैसी थी ऑथर किस स्टेट ऑफ माइंड में था उसका ओपिनियन कैसा था क्या वो क्रिटिसाइज कर रहा था क्या वो सपोर्ट कर रहा था क्या वो एक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर रहा था या सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था कोई ओपिनियन ही नहीं था राइट right? तो आप एग्जाम में जब भी टोन का क्वेश्चन करो आप देखो टोन पॉजिटिव है नेगेटिव है या न्यूट्रल है राइट right? पॉजिटिव मतलब ऑथर कुछ मेजर पॉजिटिव वर्ड्स देखेगा दिस इज हाईली प्रोमिसिंग दिस लुक्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक दिस इज अ ग्रेट जॉब डन तो इस तरीके के क्लूज और एग्जेक्टिव से आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ यार इस तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है ऑथर राइट पर जहां आपको वर्ड्स दिखते हैं ऐसे जैसे कोई आपको वर्ड ऐसा दिखा दिस वॉज अ मेजरेबल यू नो मिशन और दिस प्रोजेक्ट वॉज नॉट एट ऑल मीटिंग द रियो रियलाइजेशन और एक्सपेक्टेशन इट है तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है मोड में आ गया राइट और कई बार ऑथर एक साइंटिफिक फिनोमिना को डिस्क्राइब कर रहा है बट डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कोई ओपिनियन दे ही नहीं रहा तो वो न्यूट्रल परसपेक्टिव हो गया राइट तो आप पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल का परसपेक्टिव ध्यान में रखते हुए चॉइस को एलिमिनेट कर सकते हो मेन आइडिया और प्राइमरी पर्पस में क्या डिफरेंस होता है मेन आइडिया क्या बात कर रहा है और प्राइमरी पर्पस है क्यों बात कर रहा है राइट right? तो क्या और क्यों का ही अंतर होता है राइट सो पर्पसेस उद्देश्य क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग क्या है सो दिस इज व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड तो ये जो चार क्वेश्चंस हैं ये आप यूजुअली अपने दिमाग में बना के रखें ये तो मेरे बनने ही चाहिए एक बार मेरा पैसेज की रीडिंग कंप्लीट हो गई तो क्योंकि इनके लिए भाई मैं वापस नहीं जा सकती मैं चाहे चॉइसेस एलिमिनेट कर लूँ स्मार्टली बट आई नॉट रिविजिट द पैसेज क्योंकि आपको ये क्वेश्चन का नेचर देख के समझ में आ गया होगा ये तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है राइट तो ऐसा नहीं है कि सेकेंड पैराग्राफ से आप ट्रेस कर सकते हो या थर्ड पैराग्राफ से ट्रेस कर सकते हो सो माई सजेशन वुड ऑलवेज बी दैट फॉर सच क्वेश्चन ट्राई टू यू नो अ गुड अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू आर इन पोजिशन टू आंसर दीज क्वेश्चन वेरी ईजिली राइट एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और हो सके तो इसके क्वेश्चंस क्या पूछना चाहते हैं इसके नोट्स अपनी भाषा में बना लीजिएगा चलिए तो अब हम आगे बढ़ जाते नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है जिनके लिए आप रिविजिट कर सकते हो इसको मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी कह सकती हूँ राइट right? तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस में जो पहली कैटेगरी आती है कि ऑथर ने कोई एग्जांपल मेंशन करा राइट right, कोई कंट्री को मेंशन करा किसी मिनिस्टर के स्टेटमेंट को प्रेजेंट करा किसी कमेटी की रिपोर्ट के फैक्ट्स प्रेजेंट करे तो ये क्यों करें तो पूरा पैराग्राफ क्यों लिखा वो तो मेन पर्पज है और ये टर्म स्पेसिफिकली क्यों मेंशन करी है एग्जाम्पल क्यों दिया इस लिमिटेशन की बात क्यों करी इस डिसएडवांटेज की बात क्यों करी इस एडवांटेज की बात क्यों करी इस पैक्ट की बात क्यों करी तो ये क्या हो गया स्पेसिफिक पर्पज का क्वेश्चन हो गया तो जब प्राइमरी पर्पज का क्वेश्चन कर रहे हैं तो पूरे पैराग्राफ को कंसिड्रेशन में लेना है राइट और जब आप स्पेसिफिक पर्पज की बात करें तो जितना फोकस्ड हो सकते हैं उतना आप ध्यान रखेंगे राइट दूसरा है इन्फ्रेंस तो इन्फ्रेंस क्या होता है लॉजिकल कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स प्रोवाइडेड जैसे आपको बोला ए इज ग्रेटर देन बी बी इज ग्रेटर देन सी अब ये आपके पास पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है अब इसके बेसिस पे तुम इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो कि ए इज ग्रेटर देन सी तो ए इज ग्रेटर देन सी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पैसेज में नहीं है राइट right? कहीं नहीं लिखा कि ए इज ग्रेटर देन पर जो गिवन फैक्ट्स थे यानी कि जो तथ्य गिवन थे जो फैक्ट्स प्रोवाइडेड थे उसके बेसिस पे तुम डेफिनेटली इसको वैलिडेट कर सकते हो वेरीफाई कर सकते हो अप्रूव कर सकते हो इसी चीज को हम इन्फ्रुएंस कहते हैं तो वॉट डू वी मीन बाई इन्फ्लुस अ लॉजिकल कंक्लूजन दैट कैन बी डिड्यूस्ड दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स प्रोवाइडेड ठीक है नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सट्रैक्शन की या रिट्रीवल की राइट इसको हम फेच कैटेगरी भी कहते हैं यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है तुम उसको उठाओ यूटिलाइज करो और क्वेश्चन को आंसर कर दो राइट जैसे पूछा कि आ, कौन से ईयर में इस प्रोजेक्ट को बिगिन किया है और ईयर पैराग्राफ में mentioned है ये फेच क्वेश्चन हो गया राइट जैसे अभी क्लैट के लास्ट पेपर में मतलब जो 2024 का पेपर था इसमें क्वेश्चन आया था पहले पैराग्राफ में कि सोक्रेटस वाज़ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट राइट और क्वेश्चन पूछ लिया हु वाज़ द ग्रेटेस्ट हुईट डायरेक्ट रिट्रीवल इन्फॉर्मेशन उठा रहे हो और क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो इसको रिट्रीवल कहते हैं राइट सो दिस इज वी मीन बाय रिट्रीविंग रिट्रीविंग मतलब एक्सट्रैक्टिंग फेचिंग द दिसमेशन राइट उसके अलावा कई बार आपको वर्ड के मीनिंग्स पूछ लेते हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है थर्ड लाइन थर्ड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में एक वर्ड यूज हुआ था उसका क्या मीनिंग है तो आपको देखना कॉन्टेक्सचुअली वर्ड को कैसे यूज किया गया कहानी में उस वर्ड का इस्तेमाल कैसे किया गया कई बार उस वर्ड का क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और ट्रिकी बनाना है तो कई बार उस वर्ड का एंटोनिम और भी पूछ लिया जाता है तो ये मर्जी है कि किस डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन सेट करना चाह रहे हैं अब आपसे पूछा इस वर्ड का एंटोनिम क्या है आपने जल्दबाजी में सेम मीनिंग वाला वर्ड मार्क कर दिया अब ये जानबूझ में के की गई गलती नहीं है बट लैक ऑफ अवेयरनेस या क्वेश्चन मिस करने की वजह से हो जाता है राइट right? उसके बाद स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग क्वेश्चन में ये होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया है पैराग्राफ में और कहा कि कौन सा अगर स्टेटमेंट आंसर चौससेस में कोई एक स्टेटमेंट अगर सही होता तो ऑथर ने जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करी है उसको स्ट्रेंथन करता यानी कि उसको मजबूत करता उसको सपोर्ट करता उसको वैलिडेट करने में हेल्प करता और वीकनिंग में मतलब ऑथर की आर्ग्यूमेंट को डैमेज करेगा कमजोर करेगा अटैक करेगा राइट तो इस केस में बस ध्यान रखिएगा इफ ट्रू की कंडीशन आ जाती है कि अगर दिए हुए ऑप्शन में से अगर जो आपको आंसर चॉइसेस दी गई हैं उसमें से किसी एक स्टेटमेंट को सही माने राइट इफ इफ यू कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर चॉइसेस विल स्ट्रेंथन द क्लेम तो स्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या है सपोर्ट करना स्ट्रेंथन का का मतलब क्या है सपोर्ट करना ऑथर के क्लेम को और वीकनिंग का मतलब क्या है कमजोर करना अटैक करना डैमेज करना राइट सो सोज आर द क्वेश्चन क्वेश्चन कर सकते हो अच्छी क्लैरिटी बिल्ड करने के बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई पैराग्राफ को लेकर थोड़ा सा स्क्रैच पेपर वर्क करिए क्वेश्चन किस किस तरह के आ सकते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो क्या पूछना चाहते हैं ये मैंने आपको समझा दिया अब तीसरा गोल क्या है तीसरा गोल ये है कि आप सोचें कि आपके पास चार ऑप्शन है तो तीन तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है तो आप इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को निकाल दीजिए जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है यानी कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि भाई ये तीन स्टेटमेंट क्यों गलत है राइट आपको ये नहीं वैलिडेट करना कि सी क्यों सही है आपको ये श्योर होना है कि भाई ए बी डी तो मेरे कतई आंसर नहीं हो सकते हमेशा ध्यान रखिए जो बच्चे एलिमिनेशन बहुत स्ट्रांगली करते हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है तो इंग्लिश में तो ये रामबाण का काम करता है ऑलवेज ट्राई टू कीप दिस इन माइंड दैट यू एलिमिनेट द इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस और ये मेजर ग्राउंड्स रहते हैं जिसपे एलिमिनेट कर सकते हैं कई बार स्टेटमेंट एटी करेक्ट होता है एक फ्रेज की वजह से पूरा का पूरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया तो उसको हम बोलते हैं पार्शली करेक्ट आंसर राइट सो मोस्टली राइट स्लाइटली रॉन्ग ठीक है मोस्टली राइट स्लाइटली रॉन्ग या अनस्टेटेड इंफॉर्मेशन है तो आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी एग्जाम में जो टेस्ट होता है वो एविडेंस बेस्ड रीजनिंग है एविडेंस बेस्ड रीजनिंग का मतलब द आंसर हैज टू बी सपोर्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट तो जो आपका आंसर है वो टेक्स्ट से सपोर्ट होना जरूरी है राइट right? अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है बट पैसेज से सपोर्ट नहीं होती तो नो मैटर हाउ करेक्ट द इंफॉर्मेशन इज इट कैन नॉट फंक्शन एज द राइट आंसर तो क्योंकि आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है इसलिए जो भी आंसर डिराइव होगा वो लॉजिकली इन सिंह इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज ही होगा राइट right? उसके बाद स्ट्रॉन्गर क्लेम्स का मतलब है यू कांट हैव एन आंसर चॉइस वेयर द क्लेम इज स्ट्रॉन्गर देन द क्लेम मेड बाय द ऑथर तो जब भी आपको इस तरह के वर्ड्स मिले ऑल ऑलवेज नन ओनली मस्ट नेवर इनको लेकर आपको हमेशा सस्पिशियस रहना मैं ये नहीं कह रही आउटराइटली आंखें बंद करके आप एलिमिनेट कर दे नाइनटी परसेंट टाइम्स तो इनकरेक्ट ही होता है फिर भी एक बार वैलिडेट करने स्ट्रॉन्गर क्लेम में एक और सेंटेंस लिख सकते हो आप द आंसर स्टेटमेंट कैन नॉट बी स्ट्रॉगर देन द क्लेम मेड बाय द ऑथर ठीक है तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका आंसर स्टेटमेंट होगा वो ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रांगर क्लेम नहीं होगा राइट सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड तो ये कुछ ग्राउंड ऑफ एलिमिनेशन रहते हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है एक बार जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से लिख लें राइट right? ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सॉलिड रहे तो तीनों पॉइंटर्स को कि पैसेज रीड करने में किस पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी है क्वेश्चंस क्या पूछना चाहते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है राइट right?

तो आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे आपको हो सकता है बार बार नोट्स बनाने पड़े पर ये आपको एनोटेटेड नोट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे आप एक बार ऐप पे जाइएगा फ्री बैच ठीक है बच्चे चलो सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर अब कुछ पैसेजेस को सॉल्व करते हैं ठीक है थीके? तो एक बार मैं साइड हट जाती हूँ आप अच्छे से पैराग्राफ को रीड करो राइट right? उसके बाद फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ चलिए तो इसको पढ़ के देखते हैं मेलाइन तो मेलाइन मतलब जिसकी रेपुटेशन खराब है मेलाइन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेनाइन बेनाइन मतलब काइंड मेलाइन इसका ऑपोजिट हो गया मैल रूट आ गई ना तो वन ऑफ द मेलाइंड अंडर ग्रेजुएट मेजर्स ऑफ फिलोसफी मतलब जिसकी रेपुटेशन खराब है वो मेजर कौन सा सब्जेक्ट है फिलोसफी है राइट right, तो आप लिख हाँ, फिलोसफी की बात हो रही है, पी है मुझे समझ में आता है फिलोसफी की बात हो रही है या फिर इसको रिग्रेट से रिग्रेट मतलब जिसका आपको पछतावा हो वन विच लीड स्ट्रेट टू बी बरिस्ता विच शुड बी स्किप्ड इन फेवर ऑफ अर्निंग वेल्ड इन सर्टिफिकेट अगेन कैसे हाउ इट इज मलाइंड उसका आंसर दे रहे

इन रियालिटी दे आर स्मार्टर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स एंड स्मार्ट पीपल टेन टू मेक मोर मनी सो वॉट इज द मिथ अगर आपसे सवाल पूछे कि क्या मिथ है तो आप यहाँ पर आ सकते हो राइट right? उसके बाद पूछे कि भाई सच्चाई क्या है भाई भ्रम तो ये है रियालिटी क्या है तो आप यहाँ पर आ जाओगे कि वो स्मार्टर होते हैं अदर स्टूडेंट्स है जो स्मार्ट लोग होते हैं वो पैसा तो कमाते हैं ठीक है सो द मिथ दैट फिलोसफर्स आर डूम टू बैंक मतलब जो है उनकी तो बैंक करप्ट हो तो जाएंगे उनके पास पैसा नहीं बचेगा ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट इज टू फर्स्ट फिलोसफर थेल्स तो बस इतनी सी मैपिंग आपको करनी है कि फिलोसफी की बात हो रही है कह रहे हैं कि ये तो रिग्रेट होता है क्यों रिग्रेट होता है और उसके बाद कि भ्रम है कि इस कोर्स में लोग जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको पैसा नहीं मिलता पर रियलिटी क्या है कि क्योंकि जो फिलॉसफी पढ़ते हैं वो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं तो जो स्मार्ट लोग होते हैं उनको पैसा ज़्यादा मिलता है और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से जाता है ये कॉन्सेप्ट जाता है पहले फिलोसफर से जिनका नाम थेल्स था राइट चलिए अब आप आगे बढ़िए

एरिस्टोटल ने क्या कंक्लूड किया तो स्टोरी क्या है अगर क्वेश्चन स्टोरी पे बेस्ड आएगा तब हम पर आ जाएंगे और अब एरिस्टोटल ने तो तो आपको पता होगा एक फेमस फिलोसोफर है तो ने क्या कंक्लूड किया दैट थेल्स दैट इज ईजी फॉर फिलोसफर्स टू बिकम रिच तो उन्होंने कहा कि इसके बेसिस पे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि फिलोसफर्स को रिच बनना आसान है अगर उनकी इच्छा है तो बट दैट इज नॉट देर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ पर यह उनका उद्देश्य नहीं है अगर उनकी इच्छा है तो वो बन सकते हैं रिच बट दैट नॉट वट इज देयर ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ और द एम ऑफ लाइफ तो ऑब्जेक्ट इन लाइफ क्या हो गया एम इन लाइफ राइट right? तो बेस्ड ऑन द स्टोरी एरेस्टोटल ने क्या कंक्लूजन निकाला थेल्स की स्टोरी से ये इंपॉर्टेंट है राइट right? अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोरी क्या थी ऑब्जेक्शन आ सॉरी क्वेश्चन uh, आ सकता है कि एरेस्टोटल ने क्या कंक्लूजन दिया तो आइदर ऑफ द वर्ड्स यू नो केसेस में यू कैन कम बैक और दो वर्ड्स रहेंगे स्टोरी और एरिस्टोटल राइट सो दैट्स द मैपिंग तो मैपिंग हम देख रहे हो गे बहुत हम डिटेल में नहीं कर रहे बट असेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं और फ्लो ऑफ आइडियाज समझने की कोशिश कर रहे हैं चलिए रीड करिए अच्छे से रीड करिए मैप करिए राइट आपको लगता है कि वीडियो पॉज करना है तो पॉज कर लीजिए तो यहां पे बोला एरिस्टोटल प्री मेच्योर थे तो हाउ ही वॉज प्री मेच्योर प्री मेच्योर क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे चले जाना राइट कि लाइफ गोल ऑफ फिलोसफर वॉज नॉट कनेक्टेड टू अर्निंग सो कह रहे हैं यहाँ पे जो उनका ओपिनियन था प्री मेच्योर था राइट मेनी पीपल हुफी डू मेक अ फेयर अमाउंट ऑफ मनी तो वो कह रहे हैं कि बना तो सकते हैं पर उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता कह रहे कि ऐसा नहीं है जो फिलोसफर होते हैं वो भी पैसा कमाते हैं तो यहाँ पर जब एरिस्टोटल ने ओपिनियन दिया तो वो प्री मेच्योर ओपिनियन था क्वेश्चन पूछे की एरिस्टॉटल का ओपिनियन प्री मेच्योर किस एस्पेक्ट में था यहाँ से आके आंसर ले लेना राइट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ इलियनोस तो मैं लिख देती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलियनोस राइट अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस के बेसिस पे क्या सही है तो यहाँ पर आप आंसर ले सकते हो द एवरेज सैलरी फॉर फिलॉसफी ग्रेजुएट हु फाइंड्स वर्क विद इन 6 मंथ्स ऑफ ग्रेजुएशन इज दिस अमाउंट दिस पुट्स देम above economic majors and just below physics majors so these are basically the finances right कि भाई उनको इतना पैसा मिलता है और ये कंपैरिजन कर दिया विद अदर कोर्सेज राइट अब आगे पढ़ो पीपल। तो so so, जो पीपल एंड स्मार्ट पीपल टेन टू मेक मोर मनी तो ये अगेन दे आर ये जो लोग फिलोसफी पढ़ते हैं दे आर स्मार्ट पीपल राइट right? और जो स्मार्ट लोग हैं वो पैसा कमाते हैं फिलोसफी मेजर्स इंजॉय सम ऑफ द राइट तो स्कोर्स कहाँ पे आते हैं लिस्ट दे दी क्वेश्चन ने पूछा कौन से एग्जाम में कौन सा लिस्ट एक पेपर इंक्लूडेड था कौन सा नहीं था स्पेसिफिक क्वेश्चन है रिट्रीवल का आप यहाँ पे रिविजिट करके आंसर ले सकते हो इन एडिशन ट्रांजिशन पे ध्यान दिया कि भाई एक तो ये लोग स्मार्ट होते हैं ये एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं

सो मोर जनरली फिलोसफी मेजर्स दर्ड एवरेज आई क्यू तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि जो थर्ड एवरेज आई क्यू स्कोर आते हैं मतलब ये लोग बच्चे जो फिलोसफी पढ़ते हैं ये होशियार बच्चे होते हैं चिल्ड्रन और द स्टूडेंट ऑप्ट फॉर फिलोसफी दर स्मार्ट किड्स राइट सो अब आगे इन्फॉर्मेशन को पढ़ो आप अच्छे से पढ़िए की लिखते जाइए और जब भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि इससे कोई सवाल आया तो मैं उसको कैसे आंसर करूँगी मैं क्या रिविजिट कर सकती हूँ क्या मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही क्रूशल है चलिए तो रिव्यू ऑन द डेटा कैरियड आउट बाय फिलोसोफर प्रोफेसर जस्टिन वीनबर्ग तो जस्टिस वीनबर्ग एक फिलोसफी के प्रोफेसर थे उस डेटा को रिव्यू किया गया उन्होंने कुछ डेटा पढ़ा था रिव्यू को पढ़ा था अब उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन लिखी कि फिलॉसफी एंड रिलीजियस स्टडी ग्रेजुएट्स डू बेटर तो अब आप आपसे बस ये पूछेंगे जस्टिन वीनबर्ग ने जो डेटा रिव्यू किया उसके बेसिस पे क्या रिफ्लेक्ट होता है तो आप यहाँ पे आके आंसर को ट्रेस कर सकते हो ठीक है सो दैट द ओपिनियन वॉट केम आउट दैट फिलोसफी एंड रिलीजियस स्टडी ग्रेजुएट्स ठीक है यूजली कम्बाइन किया गया था डेटा में जो इन प्रोफेसर साहब ने रिव्यू किया उन्होंने कहा कि ये फिलोसफी और रिलीजियस स्टडीज के ग्रेजुएट्स दे डू बेटर ऑन टेस्ट आफ्टर दे ग्रेजुएट देन वन वुड एक्सपेक्ट ऑन हाउ दे परफॉर्म ऑन कॉलेज एंट्री एग्जाम सच एज ए सी टी बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन निकल के आया क्या कंक्लूजन निकल के आया आपने जस्टिन विनबर्ग लिख लिया और कंक्लूजन या क्या ऑब्जर्वेशन थी वो लिख ली क्वेश्चन आएगा कि जस्टिन विनबर्ग का क्या ऑब्जर्वेशन था आप एक बार इन्फॉर्मेशन को रिविजिट कर लेना और फिर आंसर के बेसिस पे एलिमिनेट कर लेना राइट तो ही प्रोविजनली कंक्लूड्स तो अगेन उसी आइडिया को बिल्ड कर रहे हैं कि उनका क्या कंक्लूजन था फिलोसफी एजुकेशन मेक्स एन एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्बल रीजनिंग एंड टू मैथ स्किल्स एंड अ लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनालिटिकल राइटिंग स्किल्स

तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स इट इज इंपोर्टेंट टू रिमेम्बर टू लाइफ देन इनकम तो मतलब लाइफ में और भी बहुत कुछ है पैसे के अलावा राइट वाइल पीपल विद मोर मनी टेन टू बी तो जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो ऐसा लगता है टेन टू बी मतलब अपियर होता है कि वो हैप्पी हैप्पीनेस आप खरीद नहीं सकते सच अ ब्यूटिफुल थॉट तो तो right? बड़ा बड़ा चलिए तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ये पहला क्वेश्चन है एक बार आप ट्राई करो राइट अगर आपको लगता है वापस जाना है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ राइट पैराग्राफ पे रिविजिट करो और क्वेश्चन को आंसर करो अच्छे से ऑप्शन देखो कोई जल्दबाजी मत करो राइट कई बार जल्दबाजी में हमें दिक्कत हो जाती है वो हम नहीं करना चाहते ठीक है चलिए सो बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द फिलोसफीज मेजर्स अर्निंग पोटेंशियल तो एक बार हम क्वेश्चन समझ गए कि पैसेज के बेसिस पे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ठीक है फिलोसफी मेजर्स टिपिकली ऑन लेस देन स्टूडेंट्स नहीं ये नो सच कंपैरिजन है है ठीक फिर एरेस्टोटल बिलीव अर्निंग मनी वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नो ये तो ऑपोजिट ऑफ व्हाट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है फिलोसफी मेजर्स परफॉर्म वेल ऑन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स राइट एंड आर एस्टिमेटेड टू हैव स्ट्रांग एनालिटिकल एंड राइटिंग स्किल्स अभी पैराग्राफ ने कहा था कि जब जी मैट ओरियंटेड टेस्ट की बात होती है तो इनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है राइट right?

राइट right, फिर आंसर चॉइसेस को एक्सप्लोर करिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो ना नहीं तो आप फ़सोगे एंड दैट वी रियली डू नॉट वांट अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो अंडरमाइंड का मतलब होता है वीकन करना कमजोर करना चलिए सो लेट सी दिस वॉट अंडरमाइंस द क्लेम दैट फिलॉसफी मेजर्स टेंड टू मेक मोर मनी बेस्ड ऑन देयर इंटेलिजेंस इसको आपको कमजोर करना है

नॉट डायरेक्टली रिलेटेड क्योंकि इनकम पे टारगेट तो किया ही नहीं अब बचा क्या ए बी सी एलिमिनेट हो गया बचा क्या डी द रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इनकम इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डेफिनेटली वो वीकन कर रहा है ना कि फिलोसफी मेजर्स टेंड टेन टू मेक मोर मनी ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस तो कह रहे कि इंटेलिजेंस और इनकम में रिलेशन है तो आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली यहां पर वीकन हो जाता है कमजोर हो जाता है सो वी कूड पिक डी एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू Thales स्टोरी अबाउट philosophers and एंड potential पोटेंशियल फॉर वेल्थ उनके पास दिमाग है और अगर वो चाहेंगे तो वो पैसा कमा सकते यही तो स्टोरी थी थेल्स की आप चाहो तो थेल्स की स्टोरी को रिविजिट कर सकते हो ठीक है आर नेचुरली इनक्लाइंड इनक्लाइंड नहीं बोल सकते आप राइट थेल शो दैट फिलोसफर्स कैन अक्यूमुलेट वेल्थ थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स हाँ उस कहानी से यही बता रहे हैं कि उसको पता था तो उसने जहाँ पे सस्ता सीजन था उसमें खरीद लिया और जब उसको लगा प्राइसेज बढ़ेंगे तो बेच देगा सो येस वी कैन कीप दिस स्टोरी हाईलाइट द फाइनेंशियल स्ट्रगल्स नो इट वॉज नॉट हाईलाइटिंग द फाइनेंशियल स्ट्रगल इट वॉज शोइंग दैट द फिलोसफर्स हैव द पोटेंशियल टू मेक मनी बिकॉज देयर इंटेलिजेंट success in earning money contradicts the perception uh, that philosophers are doomed to poverty no that was not the idea that it was basically you know contradicting it. it the objective was that if the philosophers use their intelligence they can definitely make money so b is a good choice for this particular question let's come to the next one वो कैबलरी इन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं तो एक बार आप पैराग्राफ पे जाके इस आंसर को वैलिडेट कर सकते हो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपने सुना होगा ना प्रोविजनल एडमिशन दे दिया मतलब कीपिंग सर्टन कंडीशन इन माइंड और कंसिडरेशन इन माइंड राइट सो कंडीशनली वी कैन कीप कंक्लूसिवली नहीं अनकनेबली uh, नहीं लॉजिकली एनालिटिकली नहीं सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप एक बार प्लीज इसको ट्राई करो ये बेसिकली लास्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन आ रहा है सो यू कैन बेसिकली रिवर्जर द इन्फॉर्मेशन एंड गेट योर आंसर फ्रॉम राइट तो अगर आप चाहो तो आप पैराग्राफ को रिविजिट कर लो राइट right? जैसे ये पैराग्राफ है ना इसको एक बार रिविजिट करो फिर मैं तुमको आंसर चॉइसेस दिखाती हूँ तो जहां तुम्हें लगता है कि यार वापस जाने से हेल्प मिलेगी मदद मिलेगी लॉजिक वैलिडेट होगा तो बिल्कुल जाओ ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट देर इज मोर टू लाइफ देन इनकम पीपल विद मोर मनी टेन टू बी हैप्पीनेस कैन नॉट बी सिंपली बॉट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टडिंग फिलोसफी इज कमिंग टू अंडरस्टैंड राइट चलो अब आप आंसर चॉइसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो राइट सो पीपल विद मोर मनी टेंड टू बी एंड इनकम इनकम कैन बाय नो नो सिग्निफिकेंट वो कह रहा है ऐसा तो नहीं जिसके पास पैसा होता है कुछ तो ज्यादा होते हैं तो नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं बोल सकते वाइट पीपल विद मोर मनी टेंट टू बी द पैसेज डिस्कस द रिलेशनशिप इट डज सो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर सी ठीक है सो आई होप आपको मजा आया इस सेशन में आपने सारी इंटीग्रिटी सीखी राइट तो तीनों पोर्शन का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मैंने एलिमिनेशन किया है क्वेश्चन को अच्छे से समझिए पैराग्राफ की मैपिंग करिए प्रेशर मत लीजिए हर इंपॉर्टेंट पॉइंट यू uh, नो you know, हर पॉइंट को अपने आप यू नो अब्जॉर्ब करने का इम्प्रेस करने का उससे आप मुश्किल में ही फंसते हो राइट एंड वॉट इज रियली इम्पॉर्टेंट इज दैट यू आर कूल हेडेड हैविंग द राइट टेम्परपेट एंड एब्सोल्युटली क्लियर विद द गोल दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस राइटली राइट खूब प्रैक्टिस करिए ध्यान रखिए अपना ऑल द बेस्ट